Alright, so hey guys, what's up everybody, it's your boy Rishi Mishra, welcome back and begin with a new video. So guys, welcome to my new vlog. आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, बट स्टिल स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. सो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग. गाइज, आप दो चीज़ इग्नोर करना आज अभी तक, एक मेरे हेयर और एक थोड़ा सा लाइटिंग. फेस पे थोड़ा ब्लरी होता रहा है, मैं आपको रीज़न देता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है. सो गाइस, लाइट थोड़ी कम इसके लिए आ रही है क्योंकि अभी सुबह के 4:45 बज रहे हैं, 4:45 हो रहे हैं. तो अभी धूप नहीं हुई है इतना तेज़ कि लाइट मतलब इतना तेज़ हो, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, इसकी वजह से लाइट थोड़ा कम आ रही है. तो जैसे जैसे धूप हो जाएगी बराबर हो जाएगा लाइटिंग. और गाइस, बाल मेरे इसके लिए ख़राब है क्योंकि अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ. मैं जहाँ छत पर सोता हूँ वहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया हूँ क्योंकि आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. सो ब्लॉग में एंड तक बने रहना और मज़े लेना ब्लॉग का. अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर भी कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. एंड गाइस, आज मैंने अनबिलीवेबल काम किया. आज मैं बिना उठाए सुबह 4:30 बजे उठाऊँ. वैसे तो मैं बुला के मम्मी उठाने आती थी, फिर भी उठ उठ के 7 बजे या फिर 7:45 बजे तो उठता था. बट आज मेरे को ब्लॉग बनाना था सुबह सुबह, इसके लिए मैं 4:30 बजे उठाऊँ. आज रात सोने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया. रोड कल रात को मतलब बारिश भी हुई थी और तेज़ से आंधी भी आई थी, तो गर्मी के टाइम ना ठंडी लग रही थी. सुबह से छत पे सोने में इतना मज़ा आ गया ना, ठंडी लग रही थी. मैं तो तीन मतलब कम्बल मतलब चद्दर साट के सोया था, एक के ऊपर एक ऊपर एक ऐसा डाला था सोया था. और रात में तो मैं जिस बिस्तर पर सोया था ना उसको भी पलट दिया था, इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी. आज तो एकदम ठंडी वाला फील आया सोने में, मज़ा आया बहुत ज़्यादा. इतना मज़ा आ रहा था, उठने का मन नहीं करता. फिर मैं ज़बरदस्ती उठा, अलार्म लगाया था, ज़बरदस्ती खींच 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 के 4 बजे के अलार्म से 4:30 बजे उठा क्योंकि मुझे आज ब्लॉग बनाना था. देखो सर आ रहे हैं बाहर, सूर्योदय हो रहा है. सो देखो गाइस, ये जो पेड़ के पीछे खेत है ना, ये सब ये पहाड़ थोड़ा सा जो ऊंचा मतलब है, इसके पीछे खेत के पीछे पेड़ के पीछे ये नहरे में, ये सब ना पब्लिक शौचालय है. यस, पब्लिक बाथरूम है गाइस. मतलब आधे गांव के जितने लोग हैं ना सब इधर ही आते हैं, इनके घर पे बाथरूम नहीं बना हुआ है. आई हो गाइस, मैंने एक कैप्चर भी कर लिया है. देखो गलत बात गाइस, किसी की प्राइवेसी दिखाना अच्छी बात नहीं होती है. इसके मैंने नहीं दिखाया तो वो जो है ना पब्लिक बाथरूम है, सब लोग वहीं पे आते हैं. बट आज तक है ना गाइज, मैं कभी भी बाहर यूज़ नहीं किया हूँ कभी भी, क्योंकि घर पे बाथरूम है हमारे यहाँ पे. और मैं ये सोचता हूँ कि सबके पास होना चाहिए, सबको बनवा लेना चाहिए. एक्चुअली गाइज, गांव में प्रॉब्लम क्या होती है ना, बनवा भी लेते हैं ना तो गांव में एक घर में ना बहुत ज़्यादा लोग होते हैं. एक घर में मतलब 8 लोग 10 लोग 12 लोग ऐसे रहते हैं गाँव में, उससे भी ज़्यादा होते हैं गाँव में. तो एक बाथरूम में एक ही टाइम पर इतने लोग कैसे जाएंगे? सबको ज़्यादा करके मॉर्निंग में जाने का रहता है और लगभग 95% लोग हैं जो 4 से 5 बजे तक उठ जाते हैं सुबह सुबह. तो एक ही टाइम पे सब लोग उठेंगे, एक ही टाइम पे सबको जाने का रहेगा. तो ऐसा नंबर लगा लगा कि कैसे जाएंगे, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है. एक ही बाथरूम में सबको जाने के लिए भी लाइन लगाना पड़ता है उसमें. इसके लिए सब सोचते हैं कि छोड़ो बाथरूम में लाइन कौन लगाएगा, चल के खुले में करके आते हैं. बैड गाइज, वेरी बैड गाइज. हम सुबह सुबह बैड बातें नहीं करेंगे, चलते हैं नीचे ब्रश करते हैं. यार सुबह सुबह ऐसी बातें नहीं करने का ना. एकदम नीचे आ गया, मैंने अपना आलस भगाने के दूसरी बार ही मुँह धुल लिया बट जा ही नहीं रहा. आग देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे 2 महीने से सोया नहीं हो. देखो थोड़ा सा डार्क डार्क हो गया है, जल्दी उठ गया ना आज बिना हैबिट के, इसके लिए ऐसा हो रहा है गाइस. काम करते हैं तो मैं मुँह धुल लिया, चलते हैं बाहर. हम लोग गाइस ब्रश नहीं करेंगे आज, आज हम कुछ और करेंगे. हफ्ते में 3 दिन ब्रश करता हूँ, 4 दिन ना दतुईन होती है ना वो करता हूँ. गाँव में लगभग सभी लोग दतुईन ही करते हैं क्योंकि उसको करने से ना टीथ एकदम स्ट्रांग रहता है. गाँव में 95% लोग दतुईन ही का यूज़ करते हैं, कोलगेट वाला ब्रश कोई यूज़ नहीं करता. देखो गाइस, थोड़े टाइम बाद देखो, अभी 5:15 बज रहा है और 5:15 बजे देखो ना कैसा सनराइज़ हो रहा है. तो गाइस, मैंने सबको इतना सारा ज्ञान दिया सुबह सुबह उठ के, तो मैं भी फ्रेश हो गया. और अभी चलते पेड़ से सीधा दतुईन तोड़ते हैं और करेंगे. वही होगा नीम का पेड़ है, या तो ये वाले नीम के पेड़ से तोड़ेंगे या ये वाले करेंगे. गाइस दो तीन चीज़ से दतुईन करते हैं. गाइस दतुईन करने के लिए 3 चीज़ का लकड़ी यूज़ करते हैं. एक होता है अमरूद, अपने पास वो भी है. एक होता है आम, अपने पास वो भी है. एक होता है नीम, अपने पास वो भी है. तो किसी भी चीज़ से दतुईन कर सकते हैं बट हम लोग नीम का यूज़ करते हैं. देखो गाइस, गाँव में सब लोग सुबह सुबह नहा भी लेते हैं, देख रहे हो. दतुईन मिल चुकी है वाली, देखो यहाँ से. देखो गाइस, शायद आप लोग इसको पहचानते रहोगे, इसको बोलते हैं दतुईन.
तो गाइस आप ब्रश हो गया है, आप मेरे बाल के ऊपर मत जाओ, क्योंकि ना कल रात को थोड़ा सा ऑयल रख लिया था जिसकी वजह से बाल थोड़ा सा चपचपा हो गया और नीचे हो रहा है। तो ये सेट तभी होगा जब मैं नहा लूँगा, तो मैं भी जब नहाऊँगा तो सेट हो जाएगा मेरा बाल। सो नाश्ता करने से पहले फ़िलहाल चलते हैं, कचरा होता है ना घर का जो, उसको उसकी जगह पे फेंक के आते हैं, क्योंकि कल इतना तेज़ आंधी वगैरह आया था ना, बहुत ज़्यादा ही कचरा आ गया था घर में, तो उसको चलते वजह उसकी जगह पे फेंक के आते हैं, उसके बाद कुछ भाई नाश्ता सुबह करेंगे। सुबह मैं उठने के बाद कुछ नाश्ता नहीं करता हूँ, मतलब नाश्ता करता हूँ बट 8 बजे तक तो करता हूँ, जब मम्मी बनाती है, और नाश्ते में मैं सुबह सुबह रोटी और सब्जी करता हूँ। एंड गाइस ब्रश करने के बाद मैं लेता हूँ जैगरी, जैगरी मतलब गुड़ लेता हूँ और पानी पीता हूँ, क्योंकि जैगरी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो सुबह सुबह एक जैगरी खा के पानी पीने से बॉडी मेंटेन रहती है, फिटनेस रहती है, इसके लिए मैं सुबह सुबह जैगरी खा के पानी पीता हूँ। एंड गाइस अभी मालूम है कितना हो जाएगा, अभी हमारा 5:45 हो रहा है, हमें उठ के पूरा 1 आवर एंड 15 मिनट डन हो गए। अब भी मैं सीधा 8 बजे नाश्ता करूंगा, बट अभी तो 6 बजे में 2 घंटे हैं, तो मुझे पीछे खेत में जो वेजिटेबल जहाँ लगाया ना, जो मैंने ब्लॉग बनाया था, वहाँ पे थोड़ा सा काम, मतलब वहाँ पे घास वगैरह आ गए, उसको निकालना है और थोड़े से वेजिटेबल तोड़ने, तो मैं जा रहा हूँ तोड़ने। अभी तक आपने मेरा वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है, तो मैंने आई बटन भी इधर दे दिया है, और साथ में एंड स्क्रीन पे ब्लॉग वाले प्लेलिस्ट में डाल के रखा हुआ है, तो जल्दी से जाके देखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, ये वाला मेरा मॉर्निंग वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा रहे, तो वीडियो पर लाइक करना, कॉमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज़। मैं सुबह सुबह उठा, अपना 2 घंटे का नींद ख़राब किया आपके लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर सकते, कर देना। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।